हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम एस मोहित बिंद। तो दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी जैसे कि हर साल लगते हैं, आपको ही पता होगा, फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे, मतलब ऐसे ही बहुत सारे जो भी साइटें हैं, सब कोई ऑनलाइन शॉपिंग पे सेल लगाते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले बिग बिलियन डे सेल लगा था जो कि ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे ही फ्रॉड हुए दोस्तों। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसपे एक बंदे ने आईफोन 12 ऑर्डर किया था, लेकिन उसने जब डब्बा खोला तो उसके अंदर साबुन मिला था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, आप जाकर उसे देख लीजिएगा। फिर उसी तरह की एक खबर दोस्तों नई सामने आ रही है, जिसमें कि एक यूजर ने नथिंग कंपनी के एयरबड्स ख़रीदा, लेकिन उसने जब डब्बा खोला तो उसमें कुछ नहीं निकला। मतलब दोस्तों, जैसा नाम वैसा काम, नथिंग इज इक्वल टू नथिंग। यूजर ने तुरंत उसको फोटो शेयर करते हुए फ्लिपकार्ट के साथ ट्विटर पे उनको पोस्ट किया। उसने लिखा कि मतलब मैंने तो नथिंग के डब्बे में मुझे कुछ नहीं मिला। समय के साथ फ्लिपकार्ट बहुत ही ख़राब होते जा रहा है, अगर यही स्थिति रहेगी तो लोग फ्लिपकार्ट से सामान खरीदना बंद कर देंगे। जिस पर फ्लिपकार्ट ने चिंता व्यक्त की और उधर से सामने वाले बंदे से बोला कि सर, अपने आप शॉपिंग आईडी बताइए ताकि हम इस पर गौर कर सकें कि कहां से हमसे चूक हुई है। तो दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है, बहुत ही ये सिंपल सी बात है। हर साल ऐसे सेल लगते हैं। अभी देखिए, अभी बिग बिलियन डे सेल ख़त्म हुआ, अभी दिवाली सेल चालू हो गई है जो कि 17 से 23 अक्टूबर तक फ्लिपकार्ट पे है, और उसके बाद प्लस मेंबर के लिए 16 से ही स्टार्ट है। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद आप देखें क्रिसमस सेल आ जाएंगे। ऐसे मतलब सेल आते रहती हैं, लेकिन हमारे इंडिया में क्या है कि जब सेल लगती हैं तो बहुत सारे सामानों पर छूट मिल जाता है दोस्तों, तो आदमी सोचता है चलो सस्ता है तो ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आज कुछ भी शॉपिंग करने से पहले सिर्फ सस्ता कोई मत देखा करिए, अब गौर करिए कि हाँ, ये चीज़ मेरे लिए सही है, परफेक्ट है या नहीं है। बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें पता नहीं है, बहुत पहले की चीज़ होती है, उन्हें सस्ते दामों में दे दिया जाता है। जब सामने वाले को उस बारे में जानकारी नहीं रहता है तो उसे लगता है ये तो चीज़ बहुत सस्ते में मिल रही है तो ऑर्डर कर लेता है। तब तक मतलब उसका एक वो समय बीत चुका होता है उसके यूज करने का। तो आप जब भी शॉपिंग करें थोड़ा सतर्क करें, और जब भी आप सामान कोई भी ऑर्डर करते हैं तो आप जब भी उसकी पैकिंग खोलें आप उसका वीडियो ज़रूर बना लें। अब देखिए इनके साथ क्या होता है, नथिंग ईयरबड्स के साथ उनका रिफंड मिलता है या नहीं मिलता है अब तो पता नहीं, उन्होंने वीडियो बनाया नहीं, फ़ोटो तो उन्होंने शेयर की है। खैर, फोटो में कंपनी वाले तो ये भी कहते हैं कि आपने हो सकता है इसमें सामान हटा के फ़ोटो खींचा हो, और वीडियो रहता है प्रॉपर तो उसमें पता चलता है कि नहीं, बंदे ने वीडियो बनाई है, प्रॉपर इसमें कुछ भी नहीं था। बाकी मैंने पिछली वीडियो में दोस्तों ये भी बताया है कि ओपन बॉक्स डिलीवरी सबसे बढ़िया है। अगर आप नहीं जानते ओपन बॉक्स डिलीवरी क्या होती है तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ मिल जाएगी। और अगर आपने कभी ऐसा शॉपिंग किया और आपके साथ भी ऐसा कोई फ्रॉड हो तो हमें कॉमेंट में ज़रूर बताइए। लेकिन जब भी शॉपिंग करिए बहुत सतर्कता के साथ करिए, सस्ते के चक्कर में ना पड़िए। एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारे रिटेलर होते हैं, जो इसमें जिनकी रेटिंग बढ़िया हो, बेस्ट हो, आप उनसे ही शॉपिंग करें। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को जरूर दबा लें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।